तो ये देखिए, अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कितनी सॉफ्ट है ये, एकदम मुंह में घुल जाने वाली, बिल्कुल हलवाई के जैसे। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है अंगूरी रसमलाई। जैसा इसका नाम है उतनी ही टेस्टी है मिठाई है, सभी को बहुत पसंद आने वाली है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। एकदम ओरिजिनल, बिल्कुल हलवाई की जैसी रसमलाई बना के तैयार करेंगे, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। देखने में जितनी टेस्टी है, खाने में उससे ज्यादा डिलीशियस है। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट अनफोल्ड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। सबसे पहले हमें चाहिए दूध, तो ये मैंने 1.5 लीटर के लगभग गाय का दूध ले लिया है। ये पैकेट वाला गाय का दूध है। आप चाहें तो यहाँ पर भैंस का दूध भी ले सकते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि फुल फैट मिल्क हमें नहीं लेना है, हमें टोन मिल्क चाहिए। अब हमें चाहिए 2 से 3 चम्मच विनेगर। तो जितना हम विनेगर लेंगे उसमें उतना ही पानी मिला लेंगे, तो इसमें 2 से 3 चम्मच पानी मिला लेते हैं। तो यहाँ पर आप विनेगर की जगह नींबू का यूज़ भी कर सकते हैं। दूध को हम गर्म कर लेंगे। जब दूध में अच्छे से उबाल आ जाएगा तो गैस को बंद कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसे ठंडा होने देंगे। एकदम से गर्म दूध में हमें मिक्सचर नहीं डालना है, हम इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो अब 1 मिनट तक इसे छोड़ दें और फिर 1 मिनट के बाद जो हमने सिरका और पानी मिला के रखा था, जो विनेगर और पानी का मिक्सचर रखा था, वो इसमें डाल देंगे। वो भी हमें इसमें एक साथ नहीं डालना है, एक एक चम्मच करके हम इसमें डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। अगर सारा मिक्सचर हम इसमें एक साथ डाल देंगे तो दूध एकदम से फट जाएगा और जो हमारा छेना बनेगा वो काफ़ी सख्त होगा। तो हमें यहाँ पर सॉफ्ट छेना चाहिए, तो इसमें हम एक एक दो दो चम्मच मिक्सचर डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। अगर पूरा मिक्सचर डालने के बाद भी कई बार आपको ऐसा लगता है कि दूध नहीं फटा है, तो आप दोबारा से उतना ही मिक्सचर तैयार कर सकते हैं और फिर उसे डाल लें। तो इस प्रोसेस को हम तब तक करेंगे जब तक दूध फट नहीं जाता। थोड़ी देर के बाद आपको दिखेगा हल्का सा पीले रंग का पानी अलग होने लगेगा। बस अब हमें इसमें और मिक्सचर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे यहाँ से हटा लेंगे और किसी भी जालीदार कपड़े से इसे छान लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके का कपड़ा जिसमें से आप आर पार देख सकते हैं, बहुत जो पतला कपड़ा होता है उसमें से हम इसे छान लेंगे। फिर इस पे 2 से 3 बार ठंडा पानी डालकर इसको धो लेंगे ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत भी विनेगर की स्मेल है वो निकल जाए। अगर आपने इसे नींबू से फाड़ा है तो आप इसे 3-4 गिलास पानी डालकर अच्छे से धो लें ताकि नींबू की खटास और महक दोनों निकल जाए। तो इसे हम अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे और इसे घुमाते हुए इसका पानी अलग कर लेंगे। तो देखिए, इसे इस तरीके से निचोड़ लेंगे। उसके बाद हम इसे लटका के इस तरीके से आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम रबड़ी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है ये 2 लीटर दूध। जब दूध गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे कुछ केसर के धागे। अब मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हमें दूध को गर्म कर लेना है। दूध को हमें इतना गाढ़ा करना है जब तक कि अपनी क्वांटिटी का आधा नहीं रह जाता। तो जब भी आप ये रबड़ी बनाएं तो कोशिश करें किसी खुले और मोटी तली के बर्तन में बनाएं ताकि ये जल्दी से, इसमें जो दूध है वो जल्दी से गाढ़ा हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे ये 1/2 कप चीनी। इसे मिक्स कर लेंगे। मीठे को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स डालने से हमारी रसमलाई में थोड़ी सी रिचनेस आ जाएगी। अब हम इसे चलाते हुए धीरे धीरे गाढ़ा कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 3/4 टीस्पून इलायची पाउडर। 3/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया मैंने इसमें। अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। साइड में जो मलाई लग जाती है उसे भी हम हटाते जाएंगे और फिर उसे भी मिक्स करते जाएंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो ये हमारी रबड़ी बनके तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा छेना था उसका पानी भी निकल गया है,
अरे देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं है। जब इसको मैं प्लेट पे रख रही हूँ तो आपको नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं दिख रहा होगा। तो बस ये जो हमारा छेना है वो इतना ही ड्राई होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ पे चिपक रहा है ये और इसमें से काफ़ी सारा पानी रिलीज़ हो रहा है, तो आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको इस तरीके से मैश कर सकते हैं। तो जो हमारा छेना है बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसे हमें फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको इस तरीके से हथेली से ऐसे मसल लेंगे। तो इसे हमें एकदम सॉफ्ट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम अपनी हथेली से इसे ऐसे चलाते जाएंगे। तो इसके जो दाने हैं उन्हें हमें बिल्कुल स्मूथ करना है। तो जब तक हमारा छेना एकदम स्मूथ नहीं हो जाता तब तक हम इसको इस तरीके से मसलते रहेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अरारोट या फिर कॉर्नफ्लावर। तो अगर आपके पास अरारोट है तो वो आप डाल सकते हैं, और या फिर आप इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। बस हमें 1 छोटी चम्मच डालना है इसमें। अगर दोनों ही चीज़ें आपके पास ना हो तो आप मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप इसमें अरारोट या कॉर्नफ्लावर ही डालें। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए जो हमारा छेना है एकदम स्मूथ हो गया है। तो ये हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया है, और अब हम इसमें इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे। तो हम अंगूरी रसमलाई बना रहे हैं, इसलिए हमें जो बॉल्स है वो बिल्कुल ही छोटी बनानी है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब ये चाशनी में फूलेंगी तो ये अपने साइज़ का 1.5 से 2 गुना हो जाएंगी। तो बहुत मोटे गोले हमें नहीं बनाने, हल्की हल्की छोटी छोटी गोलियाँ बनानी है। तो देखिए इस तरीके से। तो ये हमने 55 से 60 गोलियां बना के तैयार कर ली हैं। तो 1.5 लीटर दूध के छेने में ये हमारी 55 से 60 रसमलाई बन के तैयार हो जाएंगी। अब हमें चाहिए 1 कप चीनी। तो जितनी हमें चीनी लेनी है उससे 5 गुना हमें पानी लेना है। तो ये 1 कप चीनी में मैंने यहाँ पर 5 कप पानी डाल दिया है। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और चीनी को अच्छे से घुलने देंगे। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तो एक एक करके हम इसमें सारी बॉल्स को डाल देंगे। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो बॉल्स हैं वो हमें एक एक करके डालनी है। अगर आप सारी बॉल्स एक साथ डाल देंगे तो जो चाशनी है उसका टेम्परेचर एकदम से डाउन आ जाएगा और जो बॉल्स हैं वो फट जाएंगी। एक एक करके हम इसमें सारी बॉल्स डाल देंगे और फिर इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे हाई हीट पर। तो इसे ढक देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 मिनट के बाद ये फूल के डबल हो गई है। अब हम इनको हल्के हाथों से पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाए। अब हम 1 चम्मच मैदा में 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और वो इसमें डाल देंगे। इससे हमारी चाशनी में काफ़ी झाग बन जाएगा। हलवाई झाग बनाने के लिए वो रीठे के पानी का यूज़ करते हैं, तो रीठा का पानी लेते हैं, लेकिन वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता तो हम इसमें मैदा का पानी डाल सकते हैं। इसे हमें 15 से 20 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाना है। इसे पकाते हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेंगे कि ये पकी है या नहीं। तो इसके लिए आप इस तरीके से थोड़ा सा गहरा कोई बर्तन ले सकते हैं और उसमें एक बॉल को डाल के देख सकते हैं। अगर ये बिल्कुल तली में सेटल हो जाता है, डूब जाता है, तो उसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। तो इसे आप किसी कटोरी या ग्लास में भी चेक कर सकते हैं। अगर ये बॉल नीचे डूब जाती है तो उसका मतलब वो अच्छे से पक गई है। तो ये हमारे रसगुल्ले बनके तैयार है। अब हम एक बर्तन में बिल्कुल ठंडा पानी लेना है, तो आप ये आइस वाटर ले लें। आप चाहे तो इसमें कुछ आइस क्यूब्स भी ले सकते हैं। अब हमें इसे कोल्ड बाथ देना है। इससे जो हमारे रसगुल्ले हैं वो पिचकेंगे नहीं, उनका जो शेप है वो एकदम गोल बना रहेगा। कई बार आपने देखा होगा हम रसगुल्ले या रसमलाई बनाते हैं तो जो ये रसगुल्ले हैं ये कई बार पिचक जाते हैं, तो इसी वजह से होता है कि वो गर्मी की वजह से अपने शेप को मेंटेन नहीं कर पाते। तो अगर हम इसे ठंडे पानी में डालेंगे तो ये हमारे रसगुल्ले एकदम गोल बने रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने स्पंजी हैं ये। अब इसको हम दोबारा से पानी में डालेंगे। मैंने इसको एकदम स्क्वीज कर दिया है और पानी में डालेंगे तो देखिए वापस से इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया और एकदम गोल हो गया है ये। तो अब हम सारे रसगुल्लों को इस तरीके से हाथ में इस जो बॉल्स हैं इनको ऐसे निचोड़ लेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और जब हम इसको रबड़ी में डालें तो ये उसको एब्जॉर्ब कर ले।
और अब हम इस पे डाल देंगे ये रबड़ी। तो धीरे धीरे इस पे सारी रबड़ी डाल देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। और ये देखिए, ये हमारी अंगूरी रसमलाई बनके तैयार है। तो देखिए, आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट दिख रही है, बिल्कुल हलवाई के जैसे। खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। अब आप इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दें और उसके बाद सर्व करें। अगर आप इसका बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कितनी सॉफ्ट है ये, एकदम मुँह में घुल जाने वाली, बिल्कुल हलवाई के जैसे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। इस त्यौहार के सीज़न आप भी एक बार ज़रूर से रसमलाई बना के ट्राई करें, और आपको जो भी एक्सपीरियंस है वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो करें हमसे जुड़े रहने के लिए। आपसे फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।